हमारी कहानियों का सिलसिला आज का नहीं काफी पुराना हो चुका है, तो चलिए इसी श्रृंखला में आज लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी मृत्युलोक का देवदूत सुनते हैं दीप्ति के झरोके से। वेलकम टू माय शो। मृत्यु के देवता ने एक बार अपने एक दूत को पृथ्वी लोक पर एक स्त्री के मर जाने के बाद उसके आत्मा को लाने के लिए भेजा। जब वो दूत वहाँ उसके घर पहुँचा तो वो दृश्य देख करके हृदय विदारक दृश्य देख के उसका मन इस बात को गवाही नहीं दे पाया कि वो स्त्री की आत्मा को अपने साथ ले जाए। उसने देखा कि उस स्त्री की तीन छोटी छोटी बच्चियाँ बिलक बिलक के रो रही हैं और एक बच्ची तो माँ की छाती से चिपटी हुई थी। ये देख करके वो चिंता में पड़ गया कि इसके तो पिता भी नहीं है, अगर मैं इसकी आत्मा को ले जाऊंगा तो इन तीनों बच्चियों को कैसे सहारा मिलेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। और इसलिए वो उसकी आत्मा लिए बगैर ही देवलोक पहुंच गया। देवदूत को खाली हाथ देख करके मृत्यु के देवता यमराज बड़े भौचक्के हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या? इस पर देवदूत ने कहा कि महाराज आपको पता नहीं, आप वहाँ की स्थिति को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि मैंने सही किया। और उसने सारा विवरण दिया। तब उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम इतने समझदार हो गए कि वो ईश्वर जिसके चाहने से मृत्यु आती है और जिसके चाहने से जीवन मिलता है, तुम उससे भी ज्यादा समझदार हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और तुम्हें पृथ्वी लोक वापस लौटना होगा। और तब तक तुम वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी ही मूर्खता पर तीन बार हंस नहीं लेते, क्योंकि जब हम दूसरों की मूर्खता पर हंसते हैं तो हम अहंकारी होते हैं, लेकिन जब हम खुद के ऊपर हंसते हैं, अपनी मूर्खता पर हंसते हैं, तो हमारा अहंकार टूटता है। ये कहकर के उसको, उस देवदूत को पृथ्वीलोक पर फेंक दिया गया। और उसको ऐसी वैसी जगह भी नहीं फेंका, उसे फेंका गया बहुत ही ठंडे इलाके में, रूस में। सर्दी का मौसम, ना उस पे पहनने को कपड़े, ना उस पे खाने को खाना, ना उस पे रहने के लिए कोई आसरा। अब वो ठिठुर रहा था। तभी वहां से एक व्यक्ति निकला जिसके थैले में कुछ नए कपड़े और एक कंबल था। उस व्यक्ति को, उस देवदूत को, जिसको वो जानता नहीं था कभी देवदूत है, उसको देखकर दया आ गई और उसने वो उसको कंबल दे दिया। फिर उसने कहा कि तुम्हारे पास खाने की रहने की कुछ व्यवस्था है? उसने कहा नहीं। उसने कहा चलो तो मेरे साथ ही चलो, लेकिन उसने हिदायत दी कि ऐसा है कि मैं एक मोची हूँ और मुश्किल से पूरे साल मैं पैसे बचा करके अपने बच्चों के लिए कपड़े और कंबल लेके जा रहा था, तो जब मेरी पत्नी को ये सब पता चलेगा और वो तुमको भी देखेगी कि जहाँ हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अपना हम गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं, तुमको भी मैं लेके आ गया हूँ, तो वो बहुत नाराज होगी। पर तुम उसके नाराजगी पर बिल्कुल भी अफसोस मत मनाना कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। वो देवदूत उससे चल दिया। जब घर पहुंचे तो जैसा उस व्यक्ति को अंदेशा था वैसा ही हुआ। उसकी पत्नी तो पागलों के जैसे गुस्से में आ गई और उसने बहुत कुछ बुरा भला अपने पति को भी कहा और उस अतिथि को भी कहा। उसकी पत्नी का पागलपन देख के, उसकी इतना गुस्सा और नाराजगी देख कर वो देवदूत हंसने लगा। इसको उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, बताऊंगा जब तीन बार हंस लूंगा तब सच्चाई बताऊंगा। लेकिन वो हंसा क्यों था, क्या आप समझे? जी हाँ, वो इसीलिए हंसा क्योंकि उसको लगा कि इस महिला को ये नहीं पता कि मैं देवदूत हूँ जिसके आ जाने से सारे सुख समृद्धि और संपन्नता आ जाएगी, और वो मुझे कोस रही है, ये सोचकर वो हंसा। उसके बाद में वो लोग वहां पर रहते रहे। काफी समय बीत गया, एक हफ्ता हो गया, लेकिन उस एक हफ्ते में उस देवदूत ने उस मोची से वो कला सीखी जिससे कि वो उसका पैसा कमाता था, मतलब उसने जूते बनाना सीख लिया और वो उसकी मदद करने लगा। अब कोई देवलोक से आया हुआ व्यक्ति अगर पृथ्वी पर कुछ कर्म करेगा तो होगा ना विशेष। ऐसा ही हुआ, उसके जूते की जोड़ियां इतनी मशहूर हो गई एंड एवरीबडी गॉट सो फैसिनेटेड बाय द स्टाइल एंड द फिनिश ऑफ द शूज कि उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी। डिमांड होने लगी तो वहां पर सप्लाई उन्होंने बढ़ा दी और रातों रात कुछ ही दिनों में
वो बहुत अमीर व्यक्ति उस जगह का हो गया। इस बात से सब लोग बहुत खुश रहने लगे। उनके घर में हर वो चीज आ गई जिसकी वो कल्पना भी कई बार नहीं कर पाते थे। दिन बीतते गए। एक दिन वो मोची की मदद कर रहा था, तभी वहाँ पर राजा का मंत्री कुछ सिपाहियों के साथ आया और उसने कहा कि ये बहुत ही नायाब चमड़ा है, इसका तुम राजा के लिए एक बहुत ही सुंदर जूते बनाओ, क्योंकि तुम्हारे जूतों की जो क्वालिटी है वो सारे में बहुत मशहूर है और राजा चाहते हैं कि वो तुम्हारे यहाँ की बनी हुई जोड़ी अवश्य पहने। इस बात से वो जो मोची था वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा, राजा को अगर मेरी जोड़ियाँ पसंद आएंगी तो कितनी अशर्फियाँ, कितना पैसा, कितना सम्मान मिलेगा। इस बात को सोच सोच के वो बहुत खुश होने लगा। ऐसे में उसने सोचा कि मुझसे कहीं गलती ना हो जाए तो क्यों ना मैं इसी को कहूँ कि तुम ये जूते बनाओ। और उसने उसको हिदायत दी कि देखो, महाराज के जूते बन रहे हैं, इसीलिए इसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए और बहुत ही परफेक्ट जोड़ी बनाना। वो जूते बनाने लगा, पर जूते बनाते बनाते उसने चप्पल बना दी। पर उस राज्य में चप्पल की जोड़ियां केवल मृत्यु होने के उपरांत ही बनाई जाती थी। इस चप्पल का जोड़ा देख करके वो मोची तो गुस्से के मारे आग बबूला हो गया और कहने लगा, क्या तुमको इतना नहीं पता था? अब तक जो तुमने मेरे लिए किया, इतने अच्छे अच्छे जोड़ियां बनाई जूतों की, जो मुझे धन संपत्ति मिली, सम्मान मिला, वो तुमने पूरा मटिया मेट कर दिया। अब तो राजा मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। वह बोला, तुझे बार बार समझाया था कि स्लीपर नहीं बननी है और तूने स्लीपर बना दी। और वो जैसे ही एक डंडी को उठा करके उसको मारने के लिए दौड़ा, वो जोर जोर से ठाका मार के हंसने लगा। और जब तक वो मारता, उससे पहले सम्राट के घर से भागता हुआ सिपाही आया और उसने कहा, नहीं नहीं, जूते नहीं बनेंगे, स्लीपर बनेंगे, क्योंकि महाराज की मृत्यु हो गई। भविष्य तो अज्ञात है, सिवाय उसके किसी को ज्ञात नहीं, लेकिन मनुष्य अपने अतीत के आधार पर अपने भविष्य की कल्पनाएं और प्लानिंग करने लगता है। जहां जीवित राजा को जूते चाहिए थे, वहीं मृत होने के बाद उसको स्लीपर चाहिए थी। कैसी लग रही है कहानी? मजा आ रहा है ना? मुझे भी कहानी सुनाते में बहुत मजा आ रहा है। बस जल्दी से इसी बीच लाइक का बटन दबा दीजिए। तब उस मोची ने, उस कॉबलर ने उसके पैर पकड़ लिए देवदूत के और उसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो देवदूत ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो अपना दंड भोगने के लिए यहाँ आया हूँ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और मेरी हंसी का कारण मैं एक बार और दिल से हंसने के बाद में आपको जरूर बताऊँ। अब काम करते करते वो देवदूत सोचने लगा कि पल भर का पता नहीं, और हम लोग कितनी आकांक्षाएं, कितनी इच्छाएं पाल के रखते हैं भविष्य के लिए, और उसका मूल सोर्स होता है हमारा अतीत। हमें लगता है कल अगर सब कुछ ऐसा था तो आज भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब वो ये सोचने लगा कि मैंने तो नाहा की अपने परेशानी मोल ले ली और इस दंड का भागी बन गया, क्योंकि मेरे को तो, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं उस महिला के लिए उसके बच्चों के बारे में सोचता, क्या पता उसके बच्चों का भी भविष्य बहुत अच्छा हो गया हो। तभी तीसरी घटना घटी और तीन जवान लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ अपनी शादी के लिए जूते, चप्पल, स्टेलिटोज और बेलीज, इन सब का ऑर्डर देने के लिए आई। अब वो उसको देखते ही समझ गया कि ये हो ना हो वही तीन लड़कियां हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ दंड भोग रहा हूँ। उसने पूछा उन लड़कियों से कि ये बूढ़ी औरत कौन है, तो उन्होंने कहा, ये हमारे पड़ोस में रहती थी। तभी वहां पर वो बूढ़ी औरत भी आ गई। उसने कहा कि हाँ, मेरे पास बच्चे नहीं थे और इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया, तो मैंने इनको पाला है। अब ये सुनकर के उस देवदूत को इतनी हंसी आई और वो बोला, देखो ये अपनी मेरी मूर्खता कि मैंने उस ईश्वर के जो विधि का जो विधान था उसके बीच में हस्तक्षेप किया, और मैंने, उन भगवान ने तो सोचा हुआ था कि माध्यम कोई और होगा उनको इस धरती पर लाने के लिए, लेकिन पालने वाला कोई और। उस देवदूत को तो बहुत हंसी आ रही थी। उसको लगा कि आज अगर इन बच्चियों की माँ जीवित होती तो ये लोग गरीबी, दीनता, दरिद्रता में रहती,
लेकिन भगवान ने तो इनके लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। सुख, संपत्ति, संपन्नता, वैभव सब था। तो उसको लगा कि मैंने भगवान के बीच में पढ़ के बहुत बड़ी अपने लिए ही एक परेशानी मोल ले ली। तो मित्रों, ईश्वर की प्लानिंग के बीच में आना छोड़ दो, अपना कर्म अवश्य करो। देवदूत का जो कर्म था उसने नहीं किया, इसलिए उसको दंड भोगना पड़ा। लेकिन अगर हम ईश्वर की प्लानिंग पर उनकी आस्था, उनमें आस्था रखेंगे, तो हमारे को इतने हजारों मार्गों में से कौन सा मार्ग चुने की परेशानी नहीं होगी। हम जो कर्म करते हैं, जिसलिए हम जो हमें काम मिला है या जो हमने काम चुना है, उसको 100% दे करके करें। दैट इज ओनली योर डूइंग। उसके बाद में उसका क्या परिणाम होगा, असफल होंगे या सफल होंगे, उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। लेकिन असफल होने पर भी ईश्वर को धन्यवाद दें। सफलता पर तो जरूर देते हैं, एंड यूजुअली हम क्रेडिट अपने लिए ले लेते हैं। अरे मैंने ऐसे किया। इट्स नॉट यू और इट्स नॉट मी, इट इज ही हु मेक्स एनीथिंग सक्सेसफुल और गिव्स अस अ फेलियर। जो मिल रहा है उसका धन्यवाद, जो छिन गया उसका भी धन्यवाद, और जो आगे मिलेगा उसका भी धन्यवाद, और जो पीछे छूट जाएगा उसका भी धन्यवाद। आपका जीवन बहुत सरल और सुंदर हो जाएगा। दिस लाइफ जर्नी इज अ ब्यूटिफुल जर्नी टू एंजॉय एवरी बिट एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। अब देवदूत का दंड खत्म हो चुका था, उसके जाने का समय आ गया, तो उसने अपने 3 हंसने के कारणों को बताया और यही समझाया कि नियति बहुत बड़ी है। जहाँ हमारी सोचने की और देखने की शक्ति खत्म होती है, वहाँ से ईश्वर का विधान शुरू होता है। तो हमें छोटे छोटे कष्टों से दुखी नहीं होना चाहिए, बिकॉज उस कष्ट के पीछे क्या जो सुख है वो हम आज नहीं समझ पाते। अगर हम गिर जाते हैं तो हमें लगता अरे हमारे चोट लग गई, पर ये नहीं पता कि बड़ा एक्सीडेंट बच गया। इसीलिए हर दुख में भी ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। ये बात मेरी तो समझ में आ गई देवदूत के माध्यम से। क्या आपने समझी? जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलेंगे किसी नई चीज, किसी नए अंदाज में। तब तक नमस्कार, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक।